हेलो, वेलकम टू द टीएसएन स्कूल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए प्रोफेसर लाइव प्रोग्राम लेके आए हैं, चैप्टर 19। आज हम एक बार वापस से रिवीजन करेंगे इस चैप्टर का। हमारा सेकंड टाइम ही फाइनल एग्जाम का रिवीजन हो रहा है बच्चों। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इसको ध्यान से सुनिए वीडियो को और इसका फिर पीडीएफ करिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट चैप्टर 19, प्लांट्स लाइफ। कि प्लांट्स की क्या लाइफ होती है, कैसे स्टार्टिंग कैसा होता है उसका, और लास्ट तक प्लांट्स हमें क्या क्या देता है, हमारे लिए क्यों यूजफुल है प्लांट्स। ओके, तो प्लांट्स हमें हमारे लिए क्यों यूजफुल है, पहले आप ये सोचिए। प्लांट्स की लाइफ हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम प्लांट्स के बारे में जानेंगे कि हमारे लिए प्लांट्स क्यों ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, प्लांट्स हमें क्या क्या प्रोवाइड करवाता है, हमें किस लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो हमें फूड देता है सबसे मोस्टली, सबसे बड़ी बात जिससे हम सर्वाइव करते हैं, हम जिंदा रहने के लिए फूड खाते हैं तभी जिंदा रहते हैं हम लोग। तो हमें यानी सबसे पहले प्लांट्स क्या दे रहा है, फूड दे रहा है। फूड, आप फूड से मतलब समझते हैं कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स वगैरह है, जो भी आपका खाना जो घर में बनता है, सीरियल्स वगैरह, पल्सेस वगैरह, तो ये सब हमारा प्लांट्स दे रहा है हमें। अगर वो हमें नहीं देता, प्लांट्स नहीं होते, तो हम लोग क्या खाते, कुछ नहीं, हम लोग जिंदा नहीं रह सकते प्लांट्स के बगैर। और प्लस हमें प्लांट्स हमारा एयर प्योरीफाई करता है ना, हमें फ्रेश एयर देता है। तो जितने भी जो डस्ट वगैरह है, तो वो सारे प्लांट्स अपने अंदर ले लेता है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह जितने भी धूल मिट्टी वगैरह के कारण होते हैं, सब प्लांट्स अपने अंदर लेता है, और आप लोगों को क्या देता है, एयर फ्रेश। ओके, तो देखिए आप, हमें प्लांट्स और क्या दे रहा है, फूड दे रहा है, साथ में हमें क्लोथ दे रहा है, कपड़े जो आप पहनते हैं अपने शरीर को ढकने के लिए, सर्दी गर्मी से बचने के लिए कपड़े पहनते हो आप लोग, तो वो सब कहाँ से आ रहा है, प्लांट्स देता है ना। आप कहोगे कैसे देता है, तो प्लांट्स यानी जो प्लांट्स की जो स्किन है उससे रेशे वगैरह निकाला जाता है और उससे कपड़ा बनाया जाता है। प्लस सेकंड थिंग, जो कॉटन प्लांट्स हैं उससे भी, उसके अंदर कॉटन लगता है, जो आप कपड़े पहनते हो कॉटन के, उससे उसका पहले थ्रेड बनाया जाता है, उसके बाद आपके कपड़े वीविंग किए जाते हैं मशीन के द्वारा, उसको बुना जाता है। ओके, इस वजह से प्लांट्स हमें और क्या दे रहा है, मेडिसिन दे रहा है। जब भी आप बीमार होते हो, तो आपके पेरेंट्स जो मेडिसिन वगैरह देते हैं आपको, वो सारे प्लांट्स से ही बनी होती है सारे, उसके जो जैसे नीम प्लांट्स है हमारे बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, तुलसी प्लांट है, ऐसे और भी कई प्लांट्स हैं जो आपको टॉनिक के रूप में आप लोग उसको लेते हो, है ना। जिससे आप, जैसे आप जिंजर वगैरह, अभी सर्दियों के टाइम पर आप खूब जिंजर वगैरह खाते हो, ताकि आपको खांसी वगैरह से बच सको, प्लस आपको बाहर की जो हार्मफुल हवा है, ठंडी हवा है, वो बचा सके आपको, है ना। तो ये भी मेडिसिन ही तो है, ये जिंजर वगैरह क्या है, कहाँ से आ रहा है, प्लांट्स दे रहा है ना आपको ये। बाकी जैसे आप मिंट लीफ है यानी तुलसी के जो पत्ते हैं, वो भी आप जो चाय वगैरह में पीते हो उसको, प्लस आप वैसे भी खाते हो उसको, तो वो भी आपको आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो यानी प्लांट्स हमारे कितनी चीज़ें कर रहा है, हम प्लांट्स के लिए क्या करते हैं, कुछ भी नहीं। तो इसलिए हमें प्लांट्स बहुत कंपल्सरी है, प्लांट्स आर यूजफुल फॉर अस। फूड कम्स फ्रॉम द प्लांट, जो हमें खाना मिलता है सारा, जो भी हमारी जो चपाती है या आप जो भी चिप्स वगैरह खाते हो, सारे वो प्लांट्स से मिलते हैं। तो प्लांट्स के जो फाइबर्स वगैरह हैं, वो हमारे जो हमारा फूड ग्रेन वगैरह है, वो सब हमें हमको ग्रो करता है ना। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कि प्लांट्स की लाइफ क्या होती है। प्लांट्स हमें सबको देता है, लेकिन प्लांट्स कितने टाइम जिंदा रहता है, कितने टाइम तक हम उसको देखभाल कर सकते हैं, इसके बारे में हम चैप्टर रीड करते हैं। ओके, चलिए देखिए आप, वी सी द डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट अराउंड अस। हम अपने आस पास के एरिया में जो देखते हो, आपके घर में भी देखते होंगे आप लोग, कि बहुत तरह तरह के प्लांट्स हमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स दिखाई देते हैं, जिसमें कुछ छोटे, कुछ बड़े, और कुछ बेल की तरह किसी चीज़ के सारे ऊपर चढ़ते हुए, है ना, और कुछ ऐसे हैं बिल्कुल छोटे छोटे, जैसे आपने कोरिएंडर वगैरह देखा होगा, बहुत छोटे होते हैं, जिसको हाथ लगाते हुए टूट जाते हैं। तो इस टाइप के हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं, जो बहुत ही नाजुक भी होते हैं और बहुत बोल्ड भी होते हैं, जैसे उनकी स्टेम होती है बहुत स्ट्रांग होती है, है ना। तो चलिए हम पढ़ते हैं, सबसे पहले क्या है, ट्रीज। अब आप, आपके आसपास देखते होंगे कि बहुत बड़े बड़े पेड़ आपको दिखाई देते हैं, घर के बाहर, घर के अंदर भी आपके लगे हुए होंगे। तो मोस्टली जैसे नीम ट्री है, बेनियन ट्री है, है ना, और बनाना ट्री है, तो ये सारे जो प्लांट्स हैं, जितने भी गुलमोहर का ट्रीज है, तो इनकी स्टेम कैसी होती है, बहुत ही हार्ड वुड स्टेम होती है, यानी लकड़ी का तना होता है, बहुत मोटा तना हो जाता है इसका, और ये शेडेड ट्री के काम आते हैं, यानी ये हमें छायादार, जितने भी एनिमल्स वगैरह हैं वो सब उसके नीचे आके बैठते हैं, और जितने भी बर्ड्स वगैरह हैं ऐसे घने पेड़ों पे, वो अपना नेस्ट वगैरह बनाते हैं, अपना घोंसले वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो उसका ट्रंक है, जो तना इतना हैवी होता है, बहुत ही वो दिन में दिन, जैसे जब भी वो बहुत बड़े लार्ज स्केल पे आपने देखोगे
कि आप लोग अपने घर के बाहर से निकलते हो तो आपको सड़क के किनारे भी बहुत बड़े बड़े पेड़ दिखाई देते हैं, है ना। तो सब हमारे जितने भी कार्बोहाइड्रेट वो सब अपने अंदर लेते हैं, है ना। इससे उनका भोजन भी बनता है कार्बोहाइड्रेट से। फिर रात के टाइम पे वो सारा अपना जो भी कार्बोहाइड्रेट जो भी जो अवशेष होते हैं जो बचे हुए उसको वो अपने जो लीव्स होती है उसके थ्रू से वो अपने टिनिपोर्स के थ्रू स्टोमाटा के थ्रू वो अपना बाहर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। जो आपको ऐसा लगता है कभी कभी कि ये बरसात हो रही है, जबकि उनका कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो पानी है वो बाहर निकलता है, है ना। तो अब देखिए आप ट्रीज तो हमने देख लिए कि ट्रीज कैसे होते हैं, सड़क के किनारे पे लगे होते हैं, बहुत ब्रॉड होता है, बहुत ही मतलब उसका वुडी स्टेम होता है। अब नेक्स्ट देखिए हर्ब्स। हर्ब्स क्या होते हैं, जो कि बहुत ही एक फुट के बराबर, एक फुट यानी इट मीन्स कि आपके स्केल होता है, स्केल के आप दो बार उसको नाप लो यानी एक फुट के बराबर वो होता है स्केल से, है ना। वेरी स्मॉल प्लांट आर द काइंड हर्ब, दे आर हैव ए सॉफ्ट ग्रीन स्टेम। तो आप देखिए हर्ब्स जो होते हैं, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया मैंने हर्ब्स कैसे होते हैं कि मिंट है, ग्रास है, तुलसी है, रूज है, ये सारे हर्ब्स हैं हमारे, है ना। बहुत छोटी स्टेम होती है और बहुत नाजुक होते हैं, ये एकदम से ये हाथ लगाते टूट जाते हैं। तो आप देखते होंगे डेली के डेली मार्केट में पुदीना वगैरह आता है, धनिया वगैरह आता है, तो यानी इनकी लाइफ वन से फोर होती है, उन्हें एक बार के बाद दोबारा नहीं होता है, इसको पूरा जड़ समेत ही निकाला जाता है फिर दोबारा से इसको बोया जाता है। तो यानी कि उसकी जो एक बार लाइफ, एक बार जो बन गया है उसके बाद उसको निकाल लिया जाता है, फिर सेकेंड टाइम उसके जो बीज वगैरह होते हैं उनको वापस डाला जाता है। तो यानी इसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती, जितने भी छोटे प्लांट्स होते हैं हर्ब्स होते हैं वो सारे बहुत सॉफ्ट और नाजुक होते हैं। नेक्स्ट देखिए आप सब्स। सब्स प्लांट कैसे होते हैं, सॉर्ट एंड बुशी प्लांट आर द कॉल्ड सब्स, दे हैव टिनी वुडी स्टेम, दीज आर हार्ड। अब आप देखिए जैसे तुलसी है, रोज है, ये जो हमारे मिंट इसके हैं, ग्रास वगैरह, घास वगैरह है, ये कॉरिडोर वगैरह है, इनसे थोड़े से बड़े होते हैं और इनकी जो स्टेम है वो थोड़ा सा वुडी हो जाती है, यानी हल्की से आपको हाथ लगाते हैं टूट जाती है हालांकि, लेकिन बहुत ही पतली, यानी आपके घर पर आप झाड़ू देखते हो, अपना रूम देखते हो, तो वैसे सेम उसकी तरह होते हैं इसके स्टिक्स, ठीक है। तो उस पर ये पौधा चलता है, उनकी स्टेम बहुत ही नाजुक होती है, वुडी स्टेम दीज आर कॉल्ड द हार्ड, बट वो थोड़ा सा हार्ड होती हैं लेकिन बहुत ईजी गोइंग में वो टूट जाती हैं, ओके। अब नेक्स्ट देखिए अगर आप ये देखिए आप इसको जो आपको मैंने पिक्चर दिखाया है इसको आप बड़ा करके देखिएगा कि कौन से हमारे स्मॉल प्लांट है, कौन से बिग प्लांट है, कौन से ट्रीज हैं, ये सारे आपको मैंने नेम्स एंड विथ पिक्चर आपको दिखाई दी है, ठीक है। आप इसको बड़ा करके आप इसको एक बार में पढ़ सकते हैं आप इजीली, इनके नेम्स वगैरह दे रखे हैं, ओके। ये देखिए अब जितना आप उसमें जाते हैं, डीपली जाते हैं, तो आपको बहुत तरह के ये बड़े बड़े पेड़ दिखाई देते हैं, जैसे किशमिश ट्री वगैरह है, बहुत बड़ा होता है किशमिश ट्री, बैनियन ट्री है, वो भी बहुत लार्ज स्केल पर होता है। इस तरह से जो पेड़ हैं, जो और कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जैसे डेजर्ट में उगते हैं ओनली, जैसे कैक्टस वगैरह आप देखिए पिक्चर, इसमें पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, जो कि आजकल फैशन बन चुका है, जबकि ये डेजर्ट में अपना आप ही उग जाता है, इसको पानी की जरूरत नहीं होती, इसके अंदर खुद इतना पानी होता है कि अपना सर्वाइव अपना आप कर लेता है, ओके। चलिए अब हम चलते हैं क्लाइंबर्स के ऊपर। क्लाइंबर्स क्या होते हैं, क्लाइंबर्स जिनको बहुत सहारे की ज़रूरत होती है, सहारे इट मीन्स अगर आप उसको जैसे बेल को लगाते हो तो अगर आप उसको सहारा नहीं देंगे तो नीचे नीचे वो ख़राब हो जाती है, उसके लीव्स ख़राब हो जाते हैं, तो उसको हमें एक थ्रेड के थ्रू या कोई भी जो जूट होता है उससे बांध करके हमें ऊपर की ओर उसको ले जाना पड़ता है, फिर वो धीरे धीरे उसके सहारे पे उस पर लिपट करके ऊपर चलने लगती है और बहुत सुंदर लगती है, है ना। क्लाइंबर्स जितने भी होते हैं आप देखना, फूल वाले भी आते हैं और जो हमारे खाने वाले फ्रूट्स होते हैं उनकी भी क्लाइंबर्स होती हैं। देयर आर सम प्लांट दैट हैव वीक स्टेम, इनकी स्टेम भी बहुत वीक होती है इसलिए इनको सहारे की जरूरत पड़ती है। दीज प्लांट नीड टू सपोर्ट टू क्लाइंब, दीज प्लांट आर कॉल्ड द क्लाइंबर्स, मतलब इनको सपोर्ट चाहिए कुछ ना किसी ना किसी चीज़ से, चाहे आप लकड़ी लगा दो, ये देखिए आप फर्स्ट वाले में पी जो मटर है, मटर के साथ लकड़ी लगा रखी है, उसके सहारे पे मटर की बेल चल रही है। मनी प्लांट है, मनी प्लांट को भी आपने देखा होगा आपके घरों में से भी कि घरों में लगा होगा मनी प्लांट, उसके पीछे पीछे एक सपोर्ट के लिए डंडा लगाया जाता है, उसके फिर वो चारों तरफ अपना आप चढ़ने लगती है। इधर जैसे बीन्स वगैरह है, आप सेम फली वगैरह ये बीन्स वगैरह खाते हैं तो वो भी हम लोग एक थ्रेड के सहारे उसको ऊपर छतों पर लेके जाते हैं। सॉरी आगे देखिए ग्रेपवाइन, ग्रेपवाइन भी सेम इसी तरह होती है, उसको भी हम किसी डंडे के सहारे या थ्रेड के सहारे लगा करके उसको अपने मकान के ऊपर तक लेके आते हैं, फिर धीरे धीरे वो अपना फैलती चली जाती है और जब वो उस पर ग्रेप्स लगने लगते हैं तो वो और हैवी हो जाती है, इसलिए उसको मजबूती से इसे बांधना पड़ता है। तो ये तो हमारे थे क्लाइंबर्स जो कि बिना सहारे ऊपर नहीं चढ़ सकते, इनको क्लाइंब करने के लिए चढ़ने के लिए किसी ना किसी सहारे की जरूरत होती है, ओके स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट है हमारा वाटर प्लांट।
वाटर प्लांट क्या होते हैं? जो प्योर पानी में रह करके उगते हैं। अभी आपने देखा होगा मार्केट में खूब सिंगाड़े आ रहे हैं। सिंगाड़े समझते हो ना आप लोग? आप कभी अपनी चौपाटी है साइड में जाइए, आपको बहुत सारे ठेले वाले दिखेंगे, जितने भी रेड़ी वाले हैं वो सब, उन सब के पास आपको सिंगाड़े दिखेंगे। वो सिंगाड़े कहाँ बनते हैं? पानी के अंदर। पानी के अंदर अपना आप वो उगते हैं, फिर उसको तोड़ा जाता है, पूरा एक जाल की तरह बिछ जाता है और वो तोड़ करके फिर मार्केट में आता है। तो यानी उसके अंदर भी फुल फ्लैश पानी होता है और उसको फिर साफ पानी क्लीन वाटर से धो करके खाया जाता है। ओके, तो देखिए आप, वाटर प्लांट जो है, प्लांट दैट ग्रो द वाटर आर कॉल्ड द वाटर प्लांट। वाटर प्लांट में कौन सा है? इग्लॉटस है, सिंगाड़े हैं, और भी कई प्लांट्स होते हैं तो जो पानी के अंदर ही चलते हैं। उनको सारे टाइम पानी चाहिए होता है, उसी के अंदर उनका ग्रोथ होता है। अब आप देखिए नेक्स्ट वीक आपको स्टूडेंट, आप लोगों को ये डायग्राम बनाना है घर पे और प्लांट्स की लाइफ के बारे में बताना है कि प्लांट्स के कितने क्या क्या चीज़ें होती हैं प्लांट्स के, है ना। जैसे आप लोगों के हाथ पैर में सब होता है, ऐसे प्लांट्स के भी सब चीज़ होता है। जैसे कि रूट है जिससे वो बड़ा होता रहता है, उसकी जो जड़ें मिट्टी के नीचे रहती है दबी हुई और वो फैलती जाती है। फिर उसके बाद उसकी लीफ आती है, जो लीफ फिर उसकी स्टेम जो डंडा ऊपर बढ़ता रहता है, फिर उसके बर्ड्स छोटे छोटे से फ्लावर्स की बर्ड्स बनती है अगर उसमें फ्लावर आता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसमें फ्रूट्स आने लगते हैं और फिर फ्लावर आता है। ओके, तो यानी एक तरह से वो भी एक पूरा सीड्स बना के देता है प्लांट। तो ये हमारा जैसे प्लांट का पूरा जितने भी आप देख रहे हैं पार्ट्स उसके, ये सब आपको कॉपी में बनाना है। ओके, तो देखिए आप, पार्ट्स ऑफ प्लांट, द प्लांट हैज मैनी पार्ट्स। कितने सारे पार्ट्स हैं आप इसको काउंट करिएगा, जैसे फ्लावर्स है, बर्ड्स है, लीव्स है, रूट्स है, स्टेम एंड फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें एक प्लांट के अंदर होती हैं। तो ये जैसे उसके पार्ट्स हैं, जैसे आप लोगों के पार्ट्स होते हैं वैसे सेम उसी के उसके भी पार्ट्स होते हैं। सीड्स आर फाउंड इन साइड द फ्रूट, और जो हमें इसके सीड्स बनते हैं आपने देखा होगा, कईयों के तो फ्लावर्स के अंदर सीड्स बनते हैं और कईयों के फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं। आपने पपैया वगैरह के देखा होगा पेड़, उसमें बहुत सारे सीड्स उसके अंदर रहते हैं। ऐसे सनफ्लावर वगैरह है, सनफ्लावर के अंदर फ्लावर के ऊपर सीड्स लगे रहते हैं जिसको हम दोबारा उसको यूज़ में ले सकते हैं, उसको दोबारा से प्लांट बना सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा पार्ट्स ऑफ प्लांट यानी प्लांट्स के बारे में जानकारी। अब इसको कैसे उगाया जाता है, कैसे वो इसको आगे सर्वाइव कैसे करता है, उसको ग्रोथ कैसे बढ़ानी चाहिए, ये हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसका आप पूरा डायग्राम बनाइएगा, इसका पूरे सारे इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं वो सारे पार्ट्स लिखिएगा। ओके, थैंक यू।